मुख्तार अंसारी पर कानून का कसा शिकंजा, पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। खबर गाजीपुर से है, जहां योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी द्वारा बनाई गई अवैध सड़क को ध्वस्त किया है। पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसते हुए मुख्तार के गोदाम पर जाने वाली अवैध सड़क को तोड़ा है। मुख्तार अंसारी ने सरकारी तालाब पर कब्जा कर अवैध सड़क बनवा रखी थी। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के फतेल्लापुर गांव में मुख्तार अंसारी का गोदाम है, जहां मुख्तार अंसारी ने तालाब पर कब्जा कर अवैध सड़क बनवा रखी थी। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मुख्तार अंसारी द्वारा बनवाई गई अवैध सड़क निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। मुख्तार अंसारी का गोदाम विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी की मिल्कियत है। ये कंपनी मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और मुख्तार के साले अनवर शहजाद और सलजी रजा की है। मुख्तार अंसारी ने अपने निजी फायदे के लिए गोदाम पर जाने के लिए तालाब पर कब्जा कर अवैध सड़क बनवा रखी थी, इसे पुलिस प्रशासन ने जेसीबी के जरिए ध्वस्त करा दिया है। गाजीपुर में पुलिस और प्रशासन मुख्तार गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाइयों में जुटा हुआ है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। यहाँ पर विकास कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, जिसके मालिक में आफसा अंसारी, पत्नी मुख्तार अंसारी व अनवर सजाद सजरी लजा और अन्य, इनके द्वारा अपने निज उपयोग के लिए, निज लाभ के लिए, ये ताल की जमीन जो कि इसका नंबर 437 रकबा पड़ता है, ये जमीन पर अवैध रूप से सड़क का निर्माण कर लिया गया था अपने गोदाम को मुख्य मार्ग से कनेक्ट करने के लिए। तो आज प्रशासन और पुलिस ने जो ये ताल तालाब की जमीन है जिसका अवैध निर्माण था, उस निर्माण को हटाया। धन्यवाद। 437 नंबर ताल का था, जिस पर अवैधानिक रूप से सड़क निर्माण किया गया था, उसी को आज डिसमेंटल की कार्रवाई की जा रही है। सड़क निर्माण किया गया था, उसको डिसमेंटल किया गया।